हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिली फ्लेवर्स। आज हम सीखेंगे वेनिला आइसक्रीम शोंदीस। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, पिंच ऑफ रोज फूड कलर, 3 टीस्पून शुगर और गार्निशिंग के लिए चॉप्ड पिस्ता। फर्स्ट इसके लिए हम दूध को काट लेंगे। मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके दूध को चढ़ा दिया है। देखिए, हमारी दूध एक उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें 2 स्पून विनेगर डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ करके ऐसे दूध काटने पर छेना बहुत सॉफ्ट निकलती है। देखिए, हमारा दूध कट चुका है। ऐसे ऑफ करके काटने पर छेना बहुत सॉफ्ट निकलता है। मैंने छेना को स्ट्रेन करके दो बार अच्छे से धो लिया है और ऐसे प्लेट में स्प्रेड कर दिया है। अब इसमें चीनी डालने के बाद अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। अच्छे से मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो गया है। अब इसको हम 2 पार्ट सेपरेट कर लेंगे। में डालेंगे वेनिला एसेंस और एक में डालेंगे रोज फूड कलर। इसको डाल के सेपरेटली अच्छे से मिला लेंगे। और बस इसको एक प्लेट में ऐसे ही सजा लेंगे और सेट के लिए 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। 2 घंटा हो चुकी है। मैंने इसे चॉप्ड पिस्ता के साथ गार्निश कर दिया है। तो अब ये खाने के लिए तैयार है। ऐसे ही नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।